भारत और अमेरिका के बीच इनोवेशन ब्रिज लॉन्च। आपको बताएंगे कि अजीत डोभाल के इस प्रोग्राम के पीछे क्या है भारत का मकसद। दरअसल दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच साल 2008 में परमाणु समझौता हुआ था और उसी का तरह का ये ऐतिहासिक समझौता इनोवेशन ब्रिज को भी माना जाता है। आपको बता दें, साल 2008 में भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक परमाणु समझौता किया गया था। आज करीब 14 सालों के बाद भारत और अमेरिका बीच एक और ऐतिहासिक समझौता किया है, जिसका नाम इनोवेशन ब्रिज रखा गया है। इस समझौते में दोनों देशों के बीच हुए तमाम समझौतों में काफ़ी अहम स्थान रखता है और इस प्लान को तैयार करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाई है भारत के सबसे बड़े जासूस अजीत डोभाल ने। तो आइए समझते हैं कि इनोवेशन ब्रिज समझौता इतना अहम क्यों है और भारत को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, बताएंगी पूरी खबर विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, व्हाइट हाउस में इस समझौते को लेकर जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी ICET बैठक पर अपनी US इंडिया पहल को समापन किया है और एक नया इनोवेशन ब्रिज शुरू करने का फैसला किया है, जो दोनों देश के डिफेंस स्टार्टअप को जोड़ेगा। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बैठक पर US इंडिया पहल का उद्घाटन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके अमेरिकी समकक्ष जैक सुलबिन ने किया है। इसमें US की ओर से नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी NASA के डायरेक्टर भी शामिल थे। राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन, राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद के कार्यकारी सचिव और राज्य विभाग, वाणिज्य विभाग, रक्षा विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वरिष्ठ अधिकारी के दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते के दौरान शामिल थे। आपको बता दें दोस्तों, अजीत डोभाल की क्या प्लानिंग है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। भारतीय पक्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष, दूरसंचार विभाग के सचिव, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के महानिदेशक और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय के वरिष्ठ नागरिकों अधिकारियों ने इस समझौते के होने में अहम जिम्मेदारी निभाई है। ICT की घोषणा मई 2020 में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी संयुक्त बयान के मुताबिक की गई थी, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि दोनों देशों की सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ाया जाएगा और उनका विस्तार किया जाएगा। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या है ICET तंत्र। दरअसल ICET तंत्र के तहत अब भारत और अमेरिका इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग बढ़ाएंगे। दोनों देश मिलकर नए अवसरों का निर्माण करेंगे। इस प्रोग्राम के तहत इनोवेटिव पारिस्थितिकी तंत्र में कनेक्टिविटी को गहरा किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत दोनों देशों के बीच भविष्य में सहयोग के क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी, उन्नत सामग्री और दुर्लभ पृथ्वी प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी पहचान की जाएगी। इसलिए ये अहम हो जाता है क्योंकि चीन लगातार दुर्लभ खनिजों के पीछे भागता रहा है, लिहाजा भारत और अमेरिका मिलकर उस तरफ कदम बढ़ाएंगे जहां दुर्लभ खनिजों की कमी को पूरा किया जा सके। आपको बता दें, चलते अगली ICET बैठक 2023 के अंत में नई दिल्ली में होगी। दोस्तों, इस खबर में इतना ही। आप हमारी न्यूज़ से संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ऐसे ही नई खबर के साथ हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।